किसान मोर्चा के आह्वान पर 8 जुलाई 2021 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने जेवर जीरो पॉइंट नोएडा प्लस यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा NH 58 GT रोड नई बस्ती मार्केट दादरी महामाया फ्लाईओवर नोएडा पर अपने वाहनों गैस सिलेंडरों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया प्रभारी सुनील प्रधान ने कहा कि जहां देश की जनता कोरोना वायरस जैसी महामारी से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, आज हमारे देश में इतनी महंगाई हो रही है कि लोगों को अपने घर के चूल्हे जलाना भी बड़ी मुश्किल हो रहा है। लोगों की नौकरी छूट गई है, ज्यादातर लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। पिछले कई महीनों से किसान अपना प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की सरकार जनता व किसानों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही जिससे उनकी समस्याओं का हल निकाल सके। हमारे देश की सरकार को जनता एवं किसानों के बारे में सोचना चाहिए और महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ रही है। मौके पर जिला अध्यक्ष अनित कसाना, सदर तहसील अध्यक्ष विनोद शर्मा, अंकुर शर्मा, बरम शर्मा, जगदीश कुमार, धर्मपाल स्वामी, भिखारी प्रधान, लक्ष्मीकांत, धनीराम मास्टर, सूबेराम मास्टर, गुरप्रीत सिंह, सुनील प्रधान, मास्टर चातराम, इद्रीश, द्रिवेंद्र, अजीत, पंकज, राहुल भाटी, खुर्शीद, दीपक शर्मा, राजे प्रधान, परविंदर अवाना, विपिन प्रधान, योगी नंबरदार, बेली भाटी पवन, ललित, जयराम मुखिया, राजेश महेश खटाना, बलबीर अंबावत, शमसाद सैफी, सैकड़ों किसान मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज़।